सो वेलकम है आप सभी को फिर से मार्टिन मगर यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। तो आज यार फिर से मैं अपने सब्सक्राइबर लोगों के साथ यार गेम प्ले करने वाला हूँ, यानी रैंक पुश करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको स्कोर वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरा जो ग्रैंड मास्टर 2 है, और ग्रैंड मास्टर 2 से मैं नीचे उतर जाऊँगा। अभी तो फिलहाल मैं टॉप 5000 के अंदर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर 2 पे हूँ। तो मेरे को थोड़ा और पुश करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में यार इतना ज़्यादा मैं गेम प्ले करता नहीं हूँ, तो यार रैंक पुश भी इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। तो अगर आपको भी यार मेरे साथ खेलना है गेम, तो आपको क्या करना है, 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले यार नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी UID कमेंट कर देना, दूसरे नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और लास्ट में यार लास्ट तक वीडियो देख लेना। तो चलते हैं अब मैच के तरफ। तो यहाँ पे देख ही सकते हो हमने स्क्वाड जो है स्टार्ट किया था, और यहाँ पे अभी भी मेरे 0 किल्स थे। तो सामने की तरफ आता हूँ तो एक यहाँ पे बंदा सामने की तरफ दिखता है, जिसको यहाँ पे मैं प्यारा सा हेडशॉट दे के यहाँ पे इसको डाउन कर देता हूँ। तो डाउन होते ही इसने ग्लोबल वगैरह तो डाल दिया था, क्योंकि यार उसका सोनिया था, तो सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ पे इसने अपने आप को मतलब पैक भी कर लिया था, तो इसने अपने आप को हील भी कर लिया था। यहाँ पे मैं लॉन्चर वगैरह से इसका जो ग्लोबल वगैरह तोड़ने का ट्राई किया, और यहाँ पे ये बाहर आके मेरे को थोड़ा वो डैमेज तो दिया, लेकिन इसको यहाँ पे मैंने फिर से डाउन कर दिया था। तो इतने देर में इसके जो टीममेट्स होते हैं वो हमारे ऊपर रस करते हैं, मतलब उसको कवर देने के लिए आते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे पूरा भर देता हूँ, तो इसको भर के ही मेरे को यहाँ पे बहुत सारा सामान मिल जाता है। और एक बंदा होता है उनका सामने से खुले की तरफ से आ रहा होता है, जिसको हम काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो देते हैं, लेकिन बंदे ने ग्लोबल डाल लिया था। तो अभी उसको थोड़ा मैं पीक देता हूँ ताकि वो अपना मुँह दिखाए, और जैसे ही मुँह दिखाता है उसको यहाँ पे मैं हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। अभी जो लास्ट वाला बंदा, मतलब जो लेफ्ट वाला साइड वाला बंदा था, वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन यहाँ पे इसको मैं भागने नहीं देता हूँ, और यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ। तो डाउन करने के बाद मैं आगे तरफ जाता हूँ, और इसको यहाँ पे पूरा फिनिश भी कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे इसी के साथ हो जाते हैं 3 किल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसका यहाँ पे फिनिश कर दिया, और लूट वगैरह थोड़ा सा करने स्टार्ट कर दिया। तो लूट करके हम थोड़ा और आगे की तरफ गया, और यहाँ पे एक बंदा जो था मेरा वो ऑफलाइन हो गया था, और इसके ऊपर फुटप्रिंट स्टार्ट हो गए थे आने, मतलब बंदा आसपास ही था। तो जैसे ही बंदा मेरे को दिखता है, इसको यहाँ पे मैं हेडशॉट के साथ उस बंदे का सोनिया ऑन कर देता हूँ, और उसको मतलब वो बंदा मेरे जो टीममेट को भरने का ट्राई तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे डाउन करके पूरा ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ और जाते हैं, और बंदे हमें सामने की तरफ मिलते हैं। तो इन बंदों को भी हम काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे होते हैं, और यहाँ पे मैं सामने की तरफ एक लॉन्चर मारता हूँ। तो वो बंदा होता है वो हवा में होता है, देखिए तो उड़ गया था, उसका मतलब वो सोनिया ऑन हो गया था, और ये लास्ट वाला बंदा भी हमने डाउन कर दिया था। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे देख सकते 6 किल कर लिया था। तो यहाँ पे मैं पीछे मुड़ के सामने की तरफ जाते हूँ कि एक बंदा अपनी जो गाड़ी लेके आ जाता है, और मेरे जो टीममेट को वो पीछे से डाउन कर देता है। तो इतने में मैं थोड़ा आगे की तरफ जाता हूँ ताकि इस बंदे को मैं मार सकूँ, और इसकी लोकेशन भी मेरे को पता चल गई थी। तो यहाँ पे पीछे से आया था मैं, और इसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था, देख ही सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। बट यार इस बंदे ने मेरे जो टीममेट को पूरा भर दिया, तो मैंने भी इसको यहाँ पे डाउन किया, और इसको भी मैंने यहाँ पे पूरा भर दिया। और यहाँ पे इसी के साथ हमारे अभी भी 6 किल्स हैं, और मैं सामने की तरफ गया, और सबसे पहले अपने जो टीममेट को यहाँ पे रिवाइव किया। तो जोन तो काफ़ी ज़्यादा काट रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो मेरे को डाउन कर पाए, और सबसे पहले मैंने इसको सुपर रिवाइव किया, और यहाँ पे आगे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे मैं बच गया था, और सामने की तरफ जाते जाते मेरे को एक और बंदा दिखता है, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो देता हूँ, लेकिन यार बंदा बच जाता है पेड़ के पीछे, और ग्लोबल डाल के बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा बंदा जो खुले में था, इसको मैंने प्यारा सा हेडशॉट दिया, और ये वाला बंदा डाउन और ख़त्म भी हो गया था। तो यार बस जो सामने की तरफ पेड़ के पीछे जो बंदा था, हम काफ़ी ज़्यादा उसको डैमेज दे रहे थे, लेकिन बंदा यार ग्लोबल डाल रहा था। और यहाँ पे एक और बंदा जो होता है वहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ, वो पहले मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे होता है, बाद में जब वो मेरे को मारना स्टार्ट करता है तब मेरे को जाके पता चलता है कि वहाँ पे एक बंदा है। तो यहाँ पे सामने वाले बंदे को मैं डैमेज तो देता हूँ, लेकिन राइट साइड वाले बंदे ने यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था। तो यहाँ पे इस बंदे को मैं मार ही रहा था कि यार लेफ्ट साइड से मेरे को पड़ती है, और इस बंदे ने मेरे को यहाँ पे पूरा फिनिश कर दिया था। तो यार मैच बुया तो मतलब हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखते देखते मेरे बाकी टीममेट भी यार डाउन हो जाते हैं, और हमारा ये जो मैच है वो एक बंदे के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो यहाँ पे भी यार मेरा लास्ट वाला बंदा बचा था, और ये काफ़ी अच्छे से कैंपिंग कर रहा था। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत ये वेट करता है, और वेट करते करते यहाँ पे पीछे की तरफ से साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बंदा पीछे की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बंदे की जगह दो दो बंदे होते हैं, और दोनों बंदे इसके ऊपर रश करते हैं, और दोनों मिलकर इसको यहाँ पे किल भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइनस तो नहीं लगता, लेकिन बुया भी नहीं होता, तो काफ़ी अच्छा प्लस तो नहीं लगता, बस किसी तरह से ठीक ठाक प्लस लग जाता है। तो अभी चलते हैं फिर नेक्स्ट मैच में, और नेक्स्ट मैच में आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देख ही सकते हो नेक्स्ट मैच भी हमने स्क्वाड ही खेला था अपने सब्सक्राइबर लोगों के साथ, और यहाँ पे 2 ही किल थे, क्योंकि बंदे यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हो डैमेज वगैरह देखे, हमारे जो है
दो बंदे को तो डाउन कर दिया, मतलब पूरा फिनिश ही कर दिया था, और यहाँ पे एक और बंदा हमें मेरा डाउन हो जाता है। तो जैसे ही मैं खिड़की से पीछे की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे दो तीन बंदे दिखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज मेरे को देने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ आके अपने सबसे पहले टीममेट को यहाँ पे रिवाइव करता हूँ, और रिवाइव होने के बाद जो है मतलब बंदे थे बाकी जो यहाँ पे नीचे की तरफ ही फाइट चल रही थी, और नीचे की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ बंदे मतलब देखते ही मार देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा देख के जाता हूँ और यहाँ पे मैं आराम से इधर से आ जाता हूँ। तो एक बंदा होता है जो कि मेरे टीममेट को डाउन कर देता है फिर से, और यहाँ पे वो फिनिश भी हो जाता है। तो यार बंदा था इसको यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ पे पूरा भर भी देता हूँ। तो इसी के साथ मेरे यहाँ पे तीन ही किल हुए थे, और देखते देखते यार दूसरा बंदा भी मेरे ऊपर रश कर देता है जिसको यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ। और यहाँ पे अभी शायद से हाँ तीन ही बंदे बचे थे जो कि पूरी स्क्वाड उन्हीं की थी। तो यहाँ पे मेरे को 1v3 का सिचुएशन था जो कि निकल सकता था, बट यार क्या होता है कि अभी देखो मैं आगे की तरफ जाऊँगा और इस बंदे को सबसे पहले यहाँ पे डाउन करूँगा। तो यहाँ पे इस बंदे को जैसे डाउन किया और डाउन करते यार ये बंदे को मैं भरता हूँ, और भरते ही बंदे सब सामने वाले बंदे होते हैं वो मेरे ऊपर ग्रेनेड बरसाना स्टार्ट करते हैं। और यार जो ग्लू होल मैं तोड़ने का ट्राई करता हूँ, यार बंदे का बस नायरी कैरेक्टर था जिसके कारण यार ग्लू होल वगैरह भी टूटा नहीं, और यहाँ पे मैं जोन में फंसा और सामने वाले बंदों ने यार ग्रेनेड करके मेरे को यहाँ पे पूरा डाउन कर दिया, और डाउन होते ही यहाँ पे उन्होंने मेरे को फिनिश भी कर दिया था। तो यार ये वाला मैच में हमारा यार बुआ तो नहीं हुआ था, लेकिन इस मैच में हमारा प्लस लग गया था। और अगर आपको भी मेरे साथ खेलना है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, और साथ ही साथ में देखो अगर आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में आते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2-3 दिन तक रखता हूँ, उसके बाद डिलीट करना पड़ता है क्योंकि यार न्यू सब्सक्राइबर्स भी ऐड करने होते हैं और सबको मौका मिलना चाहिए। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।